तो जी ये इसका हशर किया, जल्दी ले आओ, इसके अंदर डालो, जल्दी करो इसके अंदर डालो। अभी तक इसने कपड़े भी नहीं चेंज किए। फादिया को, हमजा को छोड़ के अभी आई हूँ और पीछे से इन लोगों ने भी। जी चलो, नहीं, डालो इसके अंदर। चलो दुआ लेके आओ, और भी लेके आओ, वो पड़ी हुई है वो देखो पूरी की पूरी रूम में। इधर लेके आओ, इसमें डालो, वो देखे वो डाल रही है वो निकाल। जल्दी 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 और भी लेके आओ, और भी लेके आओ, जल्दी जो जल्दी 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 से लेके आओ मेरी बेटी, जल्दी से। बेटियाँ ऐसी होती हैं और बेटे ऐसे होते हैं। जी 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 भागो भागो, वो पड़ी है, वो पड़ी है वहाँ पे। हाँ वो उड़ रही है ना, इसीलिए खुश हो रहा है। लेके आओ दुआ, लेके आओ सारी, लेके आओ मीर, आप भी लेके आओ। चलो भी चलो चलो चलो, इसके अंदर डालें, जाओ लेके आओ, भागो 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 भागो, मीर जल्दी आओ। हाँ ये देखे मेरी बेटी कितनी प्यारी है, जो सारी ले आओ मेरा बेटा, जो मैंने डाल दिए, डाल दिए जो। वो देखे फिर से फेंक दी। मीर गंदा बच्चा, ले आओ इधर, दुआ और भी पड़ी है, और भी ले आओ, जो सारी ले आओ बेटा। तो यहाँ के रात के कोई 12 बजे हैं, तो खाना वाना खा लिया, तो अब जो है ना चाय बना रहे हैं। आज चाय ज़्यादा है तो बस इसी इसमें आज, क्योंकि दिलबर ने कहा वो भी पिएगा, तो चाय, चाची भी आई हुई हैं, ताई बोल रही थी, मेरी सास भी आई हैं, तो बस हम लोग सब बैठ के अब चाय इंजॉय करते हैं, फिर आपको। तो यहाँ पर जो है ना चाय मेरी रेडी हो चुकी है, बस अब सुमेरा डालेगी, मैं जा रही हूँ रूम में क्योंकि दुआ रो रही है, तो हम तीनों की डाल के अंदर ले आएगी। दिलवर और बाबर को यहाँ टीवी लॉन्च में दे देगी क्योंकि वो लोग टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं। यहाँ पे जो है ना मेरी सास आई हुई है, तो वो वीडियो बना रही है और ये सब उनको पता क्या क्या स्टोरी सुना रही है। और यहाँ फजर की नमाज के लिए उठे और मैं रोज़ा रख रही हूँ, ये जो है ना दिलवर से बातें कर रही है। अब बोल रहा था, बोल नहीं रहा। मोबाइल की लाइट की वजह से नहीं बोल रहा। पर जो है ना मेरी सास भी आई हुई और साथ में मामू भी आए हुए। कैसे है मामू? इतने दिन से आए हुए और ये जब जाने लगे हैं ना तब आए, पहले नहीं आए हमारे घर। और ये उठ के सबको हैरान और परेशान देख रहे हो, ये नवाबों की तरह यहाँ पे बैठे। और यहाँ पर जो है ना दिलबर अपने शूज़ खुद ही पॉलिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है दिलबर को ये काम करते हुए देख के? कंपनी के लिए। और ये भी सोच रही है कि मैं भी साथ में चली जाऊं। दीपा तो मुझे बोल रहा है चलो, तो मैंने
मैं अपनी फूफो के पास जा रही हूँ। हाँ फिर मामू की बेटी भी है तो वो भी तो फिर ये लोग पीछे बैठे हाँ बैठेंगे तो थक जाएंगे तो इसीलिए जो है ना मेरी सास को छोड़ के जा रहे हैं और वो देखे बिल्कुल खामोश में पे जो है ना इनकी फूफो के घर इन्हीं की बेटी गई है और ये मायूस सी बैठी है कि सब जा रहे हैं एक साथ पंजाब। अच्छा जब पंजाब कोई जा रहे हैं तो फिर दिल करता है कि सब जाए लेकिन मैं मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा बच्चों के स्कूल खुलने वाले तो तुम जाओ बच्चे मैं देखूं मंडे को स्कूल खुल जाएगा। अच्छा इसीलिए तो वैसे भी मेरा कोई काम हाँ तो मैं वहाँ पे जाके ऐसे बोर हो जाऊंगी भाई के घर बैठ बैठ के सफर करना भी आसान काम बहुत मुश्किल है। उस दिन हम लोग आए थे ना तो ऐसे लग रहा था अभी ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो जब हैदराबाद पहुँचना उसके बाद का तो सफ़र ऐसे लगता है कि पहुँचना ही नहीं है मुश्किल। चलो जूस जूस ले जाओ जूस जूस लेके आओ फटाफट 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 जूस लेके और आने के लिए चलो चलें जी बाय 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 घर के मर्दों के जाने के बाद ना हम तीन लोगों की पार्टी चल रही है मेरी सास की मेरा की और बस अब जो है ना हम चाय पीते और उसके बाद जो है ना आपसे गप्पे यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी ये एक सैंडविच बना लिया अंडा डाल के ब्रेड बस तो साथ में एक कप चाय कर लेती हूँ पानी का गिलास भरती हूँ साथ में जब तक ये खाती हूँ चाय भी हो जाएगी फिर चाय पी के नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के सो जाएगी। पर जो है ना मेरा चाय लेके आ रही है और आज बच्चे भी नहीं सो रहे क्योंकि बच्चों के जो बाप है ना वो घर पे नहीं और बच्चों को स्कूल नहीं है क्या हुआ चाय चाहिए इसको चाय चाहिए और हमजा थोड़ा सा सैड था तो फिर हम सब उठ गए क्योंकि बार बार जो है ना उसको अपने बाबा के साथ सोने की आदत है तो वो बार बार बस उठ के ना वो कह रहा था कि बाबा 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 तो नहीं किया लेकिन कह रहा था मामा आँखों में पानी है ये वो तो फिर हम सब उठ गए उसको बातें लगाने में तो फिर रोज़े का टाइम हो गया तो मैंने कहा रोज़ा रख लेते फिर उसके बाद सोचते हैं। सुबह का जो आगाज़ है ना सूरत कहफ से हो रहा है इसके बाद सूरत यासिन पढ़ूंगी फिर पढ़ूंगी सूरत जुमा तो फिर जो है ना मैं सो जाऊंगी। ये देखिए ये मेरे पास खड़ी हुई है जी अम्मी क्योंकि आज जुमा का दिन है तो सूरत कहफ और सूरत जुमा साथ में वरना मेरी जो रोज़ की रूटीन होती है सूरत यासिन होती है और उसके साथ सूरत फजर पढ़ती हूँ और इस्मुल हुस्ना पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है ना कोई अज़कार वगैरह जैसे कोई तस्बीह वगैरह होती है वो पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मा के दिन सूरत काफ और सूरत जुम्मा पढ़ती हूँ ये स्पेशल हर जुम्मा में पढ़ती हूँ और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लिया करें और इसको देखें और साथ में ये भी है इसकी भी फिक्र ना करें और साथ में ये भी है तो बाकी बच्चे जो अंदर है मैं यहाँ पे लॉन में बैठी थी मैंने आराम से कुरान पाक पढ़ लेती हूँ लेकिन ये जो है ना दोनों ये दोनों आ गए हैं मेरे पास तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरा सेकेंड रोज़ है इंशाल्लाह कल भी रखूँगी और सऊदी अरब में तो हमारी रूटीन थी कि हर जुमेरात और मंडे वाले दिन ना हम लोग रोज़ा रखते थे। ये देखिए ये लेके पा गया तो यहाँ पे आके थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है अब सोच रही हूँ कि रखना शुरू कर दूँ काफ़ी टाइम हो गया जुमेरात का और पीर का रोज़ा नहीं रखा लेकिन वहाँ पे मैं मम्मा और सुमेरा हम तीनों जो है ना एक साथ रखते थे रोज़ा तो यहाँ पे नहीं रख पा रहे थोड़े से बच्चे हैं फिर यहाँ के थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग होती है तो रमज़ान के तो अल्हम्दुलिल्लाह रखते और ये तो पूरे 10 दिन के रखते थे और हज वाले बकरा ईद के भी जो पहले 10 होते हैं वो ईद तक वो भी रखते थे लेकिन यहाँ पे आके थोड़े से ढीले ढाले हो गए तो अब इंशाल्लाह कोशिश है कि पूरे रखेंगे। तो चले जी वीडियो को करते हैं एंड अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।